मेट्रो और MMRDA के हादसों में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बड़े बड़े स्लैब भी गिरे हैं, पर मुंबई में एक पहली दर्दनाक ऐसी घटना सामने आई है कि मुंबई में एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक लोहे का बड़ा सलिया रिक्शे के ऊपर गिरा और उस पर बैठी एक महिला की जान चली गई है। जोगेश्वरी क्षेत्र में हुई 3 मौतें, भाजपा करती रही आशीर्वाद यात्रा। राज्य में सत्ता परिवर्तन और उद्धव से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भले ही भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, पर आम जनता के दुखों के प्रति भाजपा नेता उदासीन बने हुए हैं। गौरतलब हो कि मुंबई के उत्तर पश्चिम जिले में शनिवार को भाजपा की आशीर्वाद यात्रा गोरेगांव से निकलकर जोगेश्वरी होते हुए अंधेरी में रात तकरीबन 11 बजे तक चली। इसी दौरान जोगेश्वरी में 2 हादसों में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई। शाम लगभग 4:45 बजे जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के समीप हुए एक हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। वह इसी समय के आसपास जोगेश्वरी के बांद्रा प्लॉट में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। दोनों ही मौतें निर्माणाधीन इमारतों के परिसर में हुई। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के पास हुए हादसे में मलकानी डेवलपर्स की निर्माणाधीन इमारत AIM पैराडाइज टावर से लोहे का एक पाइप इमारत की आखिरी मंजिल से नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में एक ऑटो रिक्शा और 30 वर्षीय महिला और उसकी बच्ची आ गई। सर बिल्डिंग है, मोस्टली तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है तो ऊपर से ही गिरेगा। रिक्शे के ऊपर गिरा, तो उसमें महिला थी, उसके ऊपर गिरा, सर पे लगाया, डैमेज हुआ। हमने देखा कि रिक्शे के बगल में औरत खड़ी थी और ऊपर से राड गिरा लोकन का और वो तत्काल में ख़त्म हो गई। सलिया गिरा हुआ था और वो औरत को लगा हुआ था, बस वही देखा। ऑटो में एक औरत थी और एक बच्ची थी। नहीं मालूम, हम लोग जब निकले तो वो ऑटो पे ऊपर गिरी, वो अंदर पच्ची की उसके लगी जो आंटी के यहाँ पे उसका सर फट गया, तुरंत ही मर गई। हाँ रिक्शे के ऊपर गया, रिक्शा का छतरी फटा तो अंदर जाके वो औरत पे लगा। घायल महिला को नजदीक के ट्रॉमा केयर अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटी को अंधेरी पश्चिम के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी भी मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसे के वक्त महिला अपनी बेटी को स्कूल से अपने प्रतापनगर स्थित घर जा रही थी। शमा शेख उनकी लड़की स्कूल को लेके प्रतापनगर अब उनके घर जा रही थी, जब वो एम्स बिल्डर की उनके साइड से पास हो रही थी तब ऊपर से एक स्लैब के लिए जो आयरन का जो रॉड लगाते हैं वो ऊपर से उनके ऊपर गिरा, वो दोनों गंभीर तरह से जख्मी हो गए। जो महिला थी उनको ट्रीटमेंट के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उस वक्त उसको डेड बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया डॉक्टर ने, और जो लड़की थी बच्ची थी उनको कोकिलाबेन में एडमिट किया है, उपचार के लिए लेके गए थे, तो लेके उधर भी उनको डेड बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया है। इसकी तब से जारी है, जो कानून कार्रवाई हुई वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद करेंगे। जोगेश्वरी में हुए इस हादसे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर अपनी इमारत का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सारे नियम कानून को ताक पर रख कर दिन रात इमारत का निर्माण कार्य चालू रखता है, जिसकी कई शिकायतों के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है 5 बजे यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक रिक्शा ऐसे जा रही थी, गुजर रही थी, और ऊपर से ये कुछ विकास का नाम है, मलकानी उनका नाम है, AIM ग्रुप बोल के, उनके ऊपर से एक रॉड जो आया वो सीधा रिक्शा पे गिरा, और रिक्शा पे जो अंदर एक महिला बैठी हुई थी जो अपने बच्चे को स्कूल से ला रही थी वो ऑन द स्पॉट वो वहाँ पर मर गई। और यहाँ मेरे को लगता है पुलिस प्रशासन, BMC इनका किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि ये रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर रोज़ हादसा होते ही जा रहा है। जी हम इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुआ था उसकी सुनवाई का कुछ अभी तक हमें पता नहीं चला है। जो 5 नंबर रोड है सोसाइटी रोड, वहाँ पे भी इनका काम पहले भी चालू था IMA ग्रुप का, तो ऐसे हादसे ना हो इसकी प्रशासन से हम जवाबदारी चाहते हैं कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं और ये लगातार हो रहे हैं, इसके बारे में प्रशासन क्या कर रहा है इसकी हमें जानकारी चाहिए, और BMC इसका कोई एक्शन क्यों नहीं उठा रही है हमें अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। सबसे बड़ा रीज़न तो बिल्डर की लापरवाही है, इसमें प्रशासन से लेकर किसी को भी किसी से पड़ी नहीं है, इनका सब जगह भी अच्छा टाइप है, कोई इनके आगे जाने को तैयार नहीं है। एक ही मांग करना चाहता हूँ सीनियर साहब से, हर एक बड़े से बड़े सीनियर से, अधिकारी से, कि बिल्डर पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो देखा जाएगा तो अगर बिल्डर का सख्त लापरवाही की वजह से ही हुआ है, तो जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए,
और जो भी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग की यही प्रशासन से मांग है। AIM जो विकासक है या विकासकाचं नाव जोगेश्वरीत एवढं खराब आहे, याने स्वतःला ब्रँड बनवण्यासाठी जोगेश्वरीमध्ये 24 तास कामं चालू ठेवलेत आणि याला पूर्णपणे इकडच्या पोलीस प्रशासन असेल आणि गव्हर्नमेंट असेल याचा पूर्ण पाठबळ आहे। इस हादसे पर स्थानीय पूर्व भाजपा नगरसेवक पंकज यादव ने कहा कि यदि पुलिस बिल्डर के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के संग बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हम इस जो दुर्घटना हुई है उसके हम पूरा एकदम इसकी निंदा करते हैं और हम बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और पदाधिकारी हम उस बिल्डर के अगेंस्ट हम लोग जमीन पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे और उनके अगेंस्ट हम आंदोलन करेंगे। भले ही भाजपा की पूर्व नगर सेवक की ओर से यह बयान आया हो पर गरीबों की सरकार होने का दम्भ भरने वाली भाजपा इन हादसों के दौरान अपनी आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त रही। ना ही उनका कोई नेता हादसे के स्थल पर पहुंचा, ना ही कोई भी भाजपाई पीड़ित परिवार का दुख बांटने अस्पताल पहुंचा। कैमरामैन राहुल तिवारी और संजय दुबे के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़ मुंबई।